फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले हैं माइंड क्राफ्ट का न्यू सीरीज। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना माइंड क्राफ्ट का सीरीज। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं एक छोटा सा घर। तो उस घर के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम चलते हैं और एक बनकर बनाएंगे, यानी कि एक गुफा बनाएंगे। तो उस गुफा के अंदर हम लोग रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जितने भी नए लोग देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे माइनक्राफ्ट की वीडियो और अपलोड करता रहूं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैं अभी तोड़ रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं नीचे चलूँगा वैसे वैसे मुझे टॉर्च की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टॉर्च के लिए मुझे सबसे पहले वुड चाहिए, और वुड के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होगा पेड़। तो उस पेड़ के पास हम लोग चलेंगे और उस पेड़ से हम लोग वुड लेंगे, फिर क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। और क्राफ्टिंग टेबल में हम लोग अपने टॉर्च को बनाएंगे, क्योंकि हमें नीचे चलने में काफ़ी दिक्कत होगा। और उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे अपना स्टिक। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं और ढूंढते हैं कोई पेड़। जैसे कि ये सामने पेड़ दिख रहा है, तो हम सबसे पहले चलेंगे और इस पेड़ से लेंगे वुड। तो जैसे कि हमारे पास एक वुड आ चुका है, हमारे पास दो वुड आ चुका है, तीन वुड, चार वुड, और ये हमारे पास आ चुका है टोटल पांच वुड। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इससे कुछ बना पाते हैं कि नहीं। तो इससे हम लोग का नहीं बनेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जब मैं इसको स्टार्ट किया था तो मैंने ये सारी चीज़ों को एक जगह से इकट्ठा कर लिया था। तो अब सबसे पहले हम लोग को बनाना है क्राफ्टिंग टेबल। तो हमारे पास वुड भी आ चुका है, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल का तो दिखा नहीं रहा है फिलहाल अभी फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें दूसरे तरीके का वुड चाहिए। तो यहाँ पे जो वुड पड़ा हुआ, हम लोग उस वुड को लेके देखते हैं कि क्या इस वुड से हमारा काम चल जाएगा कि नहीं। तो ये अलग तरीके का वुड है फ्रेंड्स, तो हमें इस वुड को लेना चाहिए। तो हम इस वुड को ले लेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि क्या अब इसे हमें कोई न्यू चीज़ मिल रहा है कि नहीं। तो इससे भी हम लोग का नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दूँगा, नहीं तो हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स कि अभी इसके अंदर खनता चलूँगा और खनने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। तो मैं इसको खनता चलूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जब अंदर तक खन लूँगा तो फिर आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ तक अंदर तक पूरा खन लिया है और अब मुझे खुद ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चलेंगे सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे और क्राफ्टिंग टेबल में टॉर्च बनाएंगे। तो अब हम लोग को टॉर्च बनाने के बाद हम लोग को शायद कुछ दिख सकता है। तो जैसे मैंने क्या कहती कि मैंने थोड़ा बहुत वुड तोड़े थे, तो वुड तोड़ने के बाद ओ भाई साहब, यहाँ पे क्रीपर फट गया है। इसी के साथ बहुत बहुत जाते हैं हम लोग का, ये क्रीपर ने तबाही मचा दिया। तो कोई बात नहीं है, अभी हम इसको सही कर लेते हैं। इसको सही करने के बाद हम अपना आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बन रहा है। तो स्क्रीपर ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया मेरा इसकी वजह से मेरे जो इतना अच्छा जो लैंड था मेरा, उसने वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो इसका बदला मैं ऐसे अभी लूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ अपने
घर के ऊपर ध्यान देना है, आई मीन अपने बंकर के ऊपर ध्यान देना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं अपने ढूंढने गया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से लेंगे अपना सिर्फ। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि मुझे आखिर ये सारी चीज़ें मिली कहाँ से। तो जैसे कि मैं अभी बहुत दूर तक, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक वहाँ तक गया था विलेज देखने, तो मुझे ये सारी चीज़ें मिली। और मुझे विलेजर का हाउस भी मिला था, जो कि मैं अभी आपको अपने जब वीडियो अपलोड करूँगा दूसरा या तीसरा वाला, तो उसमें हम लोग आपको दिखाएंगे जब हम लोग जाएंगे विलेजर के हाउस पे रेड करने तक। तो फिलहाल अभी हम लोग को टॉर्च की ज़रूरत है, तो हम लोग टॉर्च बनाते हैं। तो टॉर्च बनाने के पहले हम लोग को बनाना होगा अपना क्राफ्टिंग टेबल। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या, हम लोग का क्राफ्टिंग टेबल बन पाता है नहीं। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ओक वुड प्लैंक्स। तो अब हमें ओक वुड प्लैंक कहाँ से मिलेगा, तो मुझे इसी में देखना होगा, जंगल वुड प्लैंक, जंगल वुड, ओक वुड। तो हमें ओक वुड जो है, ओक वुड से हमें बनाना होगा ओक वुड प्लैंक। तो अब मुझे ओक वुड प्लैंक बनाना होगा। ये जंगल वुड प्लैंक है, ये ओक वुड प्लैंक्स हमें 4 ठो चाहिए। तो हमारे ओक वुड प्लैंक बन चुके हैं 4 ठो। अब ये 4 ओक वुड प्लैंक से हम बनाएंगे अपने क्राफ्टिंग टेबल को। तो अब हमारा क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गया, तो ये हमारा एक क्राफ्टिंग टेबल बन गया। और फिलहाल अभी क्राफ्टिंग टेबल को हम लगा देते हैं इधर। और अब हमें बनाना है टॉर्च। तो अब हमें टॉर्च बनाने के लिए सबसे पहले चाहिएगा स्टिक, स्टिक और कोल। तो अब स्टिक और कोल चाहिए। तो कोल तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास स्टिक नहीं है। तो हमारे पास अभी एक टॉर्च अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम लोग उस टॉर्च को यहाँ पे लगा देंगे। तो स्टिक भी अवेलेबल है, एक स्टिक, 4 4। तो यहाँ पे 4 स्टिक का काम हो चुका है, और 4 स्टिक भी है हमारे पास, और 4 कोल भी है। तो यहाँ से हम लोग स्टिक ले लेंगे और कोल ले लेंगे। तो अब क्राफ्टिंग टेबल में हम लोग बनाएंगे टॉर्च 4 ठो। तो हमारा 16 टॉर्च बन गया है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि है। तो हम लोग अंदर चलते हैं और अपने टॉर्च को लगाएंगे। तो एक टॉर्च हमारा यहाँ पे लग गया, एक टॉर्च यहाँ पे लग गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये बनकर जो है वो इस तरीके का लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं, तो अब हम लोग इसके अंदर भी खनेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके अंदर खनना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा एक बनकर बनाना है। तो अब हम लोग इसके अंदर भी खनना शुरू करेंगे। तो अब हम लोग खनना शुरू करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कि ये जो 2 गैप है, तो ये 2 गैप को छोड़ देते हैं, और इधर से 8, इधर से 8, और ये पूरा जो एक एरिया है, ये पूरा हम लोग जो है 18 स्क्वायर, मतलब 18 x 18, पूरा हम लोग 18 x 18 करके इसको पूरा हम लोग तोड़ेंगे। तो अब मैं इसे आपको तोड़ने के बाद दिखाता हूँ कि दरअसल ये कैसा इसका जो टेक्सचर है वो आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे आपको तोड़ने के बाद दिखाऊंगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका ये जो लुक है, ये कितना ख़तरनाक तरीके से आ चुका है। और यहाँ पे जो ये जो एरिया टूट गया है, इसे अभी हम लगा देते हैं। तो ये हमारा जो एरिया टूट गया है, इसे अभी हम लगा देंगे। यहाँ पे ये एरिया हमारा लग चुका है। और फ्रेंड्स, जैसे कि बाप, एक मिनट फ्रेंड्स, आपको मैं अपना पूरा बंकर अब दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इसे पूरा 18 x 18 तोड़ूंगा, तो उधर से 8, और ये पूरा 18 x 18 स्क्वायर का है। तो अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना बनाते हैं एक लैडर। तो लैडर बना के हम लोग चलेंगे ऊपर। और हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अपने बंकर जो है, उस बंकर को और भी ज़्यादा ख़तरनाक बनाने वाले हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल चलते हैं ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम ऊपर आ चुके हैं। तो हमें यहीं से लगाना है। तो अब हम लोग बहुत ही सावधानी से अपने बाहर की ओर निकल जाएंगे, बहुत ही होशियारी से हमें बाहर को निकल जाना है। उसके पहले हम लोग यहाँ पे इसे लगा देते हैं, आई मीन इसे कवर कर देते हैं,
नहीं तो ऐसे बाई चांस अगर हम लोग अंदर आएंगे तो हम लोग को मरने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे क्या होगा कि ऐसे हम लोग का मरने का चांस जो रहेगा बहुत कम रहेगा, तो इसीलिए अभी हम लोग फिलहाल इसे कर देते हैं कवर थोड़ा सा, ताकि जब हम लोग अंदर आएँ तो हम लोग डायरेक्ट नीचे ना गिरें और हम लोग का लाइफ बच जाए। तो यहाँ पे हमारा ये लग चुका है और हम लोग इसे तोड़ते हैं। हाँ तो जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि आखिर अभी तक मैं पिकैक्स क्यों नहीं बनाया, तो वो मैं बनाने वाला हूँ। फिलहाल मुझे अभी इस टाइम सिर्फ बंकर बनाना था। तो जैसे कि आप देखिए ये बंकर देखिए, यहाँ से हम अपना नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना पूरा जो भी करना वरना एरिया सेटअप। तो दरअसल ये बंकर जो है इसे हम मेरा अंडरग्राउंड बेस भी बोल सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि लोग सबसे पहले अपना घर बना के अंडरग्राउंड बेस बनाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं अंडरग्राउंड बेस बना के अपना घर बनाऊँगा, ताकि अगर हम लोग के बेस टूट भी जाए तो कोई दिक्कत ना रहे। अंडरग्राउंड बेस हम लोग का रहेगा तो वो हम लोग का काफ़ी सीक्रेट रहेगा। और आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, और हाँ जितने भी नए व्यूवर्स लोग देख रहे हैं नए लोग, वो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट है वो इससे भी ज़्यादा बहुत ही भयंकर तरीके से आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय गाइस।